जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है छिलमिल और जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स बाय रमेश सिंह स्टार्ट कर रहे थे तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हमारे स्टेट का एक इकोनॉमी को चलाने में क्या रोल होता है। तो द नेम ऑफ द टॉपिक टुडे इज रोल ऑफ स्टेट इन एन इकोनॉमी। यहाँ पे इस बुक के हिसाब से स्टेट को तीन तरह की रोल या तीन तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। फर्स्ट, द स्टेट एक्ट्स एज ए रेगुलेटर। सेकेंड, द स्टेट एक्ट्स एज ए प्रोड्यूसर एंड और सप्लायर ऑफ प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज। एंड थर्ड, प्रोड्यूसर एंड और सप्लायर ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। ये तीनों को हम विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं द रोल ऑफ स्टेट एज ए रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब संचालन। स्टेट किस तरह से संचालन करती है, किस तरह से सारे चीज़ों पे अपना नियंत्रण रखती है और ये कैसे करेगी स्टेट्स, पॉलिसीज़ बना के, कुछ नए नए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बना के कि इसके तहत ही जो चाहे प्राइवेट प्लेयर्स हो या चाहे सरकार, उसके सीमा के अंदर बंद के काम करेंगे, ये पॉलिसीज़ के अंदर बंद के काम करेंगे तभी जो है वो स्टेट के संचालन में चलेगा इकोनॉमी। As a regulator of the economic system, where the state takes important economic decisions, announces the required kind of economic policies, take the sole responsibility to get them implemented. जैसे कि स्टेट है, जैसे कि मोदी जी आए दिन नए नए पॉलिसीज, नए नए स्कीम्स, जैसे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम हो गया, आयुष्मान भारत हेल्थ रिलेटेड स्कीम हो गया, उसके बाद एडुकेशन रिलेटेड कितनी सारी स्कीम्स, स्किल इंडिया डेवलपमेंट, स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ वाला, तो इतने सारे पॉलिसीज स्टेट्स ने बनाए हैं और उन पॉलिसीज़ के नियंत्रण, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट को जाती है कि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है हो या इंडिविजुअल्स हो, जो स्टेट ने पॉलिसी या नियम कानून बनाया है उसको स्टिक करने की, उसको इम्प्लीमेंट करे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को जाती है। और कोई बंदा, कोई शख्स, कोई फिर्म इन पॉलिसीज़ के थ्रू नहीं जाता, इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो स्टेट हैज़ द राइट टू पनिश देम। Now we are going to see the role of state as a producer and supplier of private goods and services. अभी मैं इसको एक example के through समझाती हूँ। ये मैगी है, ये आप सभी को पसंद है, मेरे को भी बहुत पसंद है। तो ये मैगी अगर फैक्ट्री में बनती है तो ऐसा तो है नहीं कि मैगी यहाँ पे इस फैक्ट्री में बन गई और फैक्ट्री में बनने के बाद डायरेक्टली मेरे किचन पे आ गई खाने के लिए। नहीं, बीच में एक इंटरमीडिएट होता है, डैट इज FSSAI। वहाँ पे FSSAI का अप्रूवल मिलना चाहिए तब जाके वो हमारे घर पे किचन में जाएगा। ये मैगी की फैक्ट्री, इसके बाद ये FSSAI का फैक्ट्री में जाएगा अप्रूवल के लिए, टेस्टिंग के लिए। अगर FSSAI ने अप्रूव किया तब जाके ये हमारे घर पे, हमारे किचन में पकेगा। कहने का मतलब ये है कि जब अगर बनता प्राइवेट गुड्स ही है, प्राइवेट कंपनी ही बनाती है, लेकिन उसमें स्टेट जो है अपना नियंत्रण रखती है, ऐसा तो है नहीं। अगर स्टेट ने अपना नियंत्रण नहीं रखा तो हर गली पे जो अल्कोहल है उसके वो बनने लग जाएंगे, लोग तो ड्रग्स भी बेचने लग जाएंगे, है ना, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो अगर स्टेट ने प्राइवेट गुड्स पे भी, गुड्स एंड सर्विसेज पे अपना नियंत्रण नहीं रखा या प्रोड्यूसर एंड और सप्लायर ऑफ प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज में स्टेट ने अपना रोल नहीं प्ले किया, तब तो कोई भी कैसे भी मुंह उठा के मैं अगर बोलूं कि आज हाँ मेरे को एक नया ड्रग बनानी है, नया मेडिसिन बनानी है विदाउट द परमिशन, मेरे को परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, तब मैं भी बनाने लग जाऊँ, तब लोगों की तो जान चली जाए। तो ऐसी कंडीशन है कि स्टेट को एज अ सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो रोल प्ले करना पड़ता है। हियर द स्टेट प्लेज द रोल ऑफ प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे ये जो प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज है, ये मैगी, हम लोग ने मैगी का एग्जांपल लिया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ये मैगी जो है ये भले ही प्राइवेटली बनाया है लेकिन यहाँ पे सप्लायर का काम FSSAI करेगी या फिर यहाँ पे FSSAI इंटरवेन करती है ना, तो FSSAI के थ्रू ये यहाँ पे आती है, हमारी वहाँ पे आएगी, हमारी किचन में आएगी। तो यहाँ पे इस केस में स्टेट एक्ट्स एज अ प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज। As a producer and a supplier of private goods and services, this include all those goods and services which constitute the part of the market and which will be distributed among the needy according to the principles of market mechanism. जैसे कि मैंने कहा, ये जो मार्केट में जो चीज़ें आती है, ऑल गुड्स,
उसका जो प्रोड्यूसर एंड सप्लायर है उसमें भी स्टेट अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे कि यहाँ पे FSSAI का रोल है, ठीक उसी तरह से अगर आपको लिक्वेयर बेचना है, बनाना है, तो आपको स्टेट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेट अप्रूव करेगा तभी आपको करना दुकान जो है, शॉप है, वाइन शॉप है, वो खोल सकते हो। तो ठीक उसी तरह से स्टेट प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो प्रदान करता है। Now we are going to see as the producer and or supplier of public goods and services. इसको भी मैं एक hypothetical example के जरिए जो है समझाती हूँ। यहाँ पे public goods and services को क्या बोलते हैं, जो subsidized rate में दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे PDS यानी public distribution system के जरिए जो subsidized rate पे National Food Security Act के तहत जो beneficiaries को बहुत ही कम rate पे rice और wheat दिया जाता है, वो कौन देता है? State देता है, वो private players थोड़ी देते हैं। As a producer and a supplier of public goods or social goods, this includes goods and services which look essential from time perspective of social justice and well-being of the people. ये जो subsidized rate पे, यहाँ पे इस example में बता रही हूँ कि subsidized rate पे ये जो goods, ये जो गेहूँ और चावल 2 रुपए per kg, 3 रुपए per kg subsidized rate पे सरकार दे रही है beneficiaries को, ये उसको बोला जाता है पब्लिक गुड्स और सोशल गुड्स। ये ह्यूमन काइंड की बेटरमेंट के लिए दिया जाता है, ना कि प्रॉफिट मार्जिन को अर्न करने के लिए। ये जो सरकार ने सब्सिडीज दिया हुआ है या ग्रांट्स दिया हुआ है या स्कॉलरशिप्स दिया हुआ है, हर फील्ड में दिया हुआ है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, सैनिटेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, न्यूट्रिशन हो, हर चीज़ में, चाहे वो डिफरेंशियली एबल्ड हो, उनके लिए भी सरकार ने अलग से प्रोविजन दिया, सब्सिडीज या फिर कुछ महीने का जो डिवाइसेस होती है डिफरेंशियली एबल्ड के लिए, जो डिवाइसेस होती है, क्या बोलते हैं उसको, एड्स जो होती है, जैसे व्हीलचेयर हो गया, उसके बाद जो चश्मा हो गया या फिर हियरिंग एड्स हो गया, ये सब सरकार फ्री में देती है जो जिनको ज़रूरतमंद है, डिफरेंशियली एबल्ड को। तो इस तरह से सरकार प्रोड्यूसर एंड और सप्लायर ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज में भी अपना जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। पब्लिक गुड्स ये गुड्स होती है जो कि प्रॉफिट मार्जिन के उद्देश्य से बनाया नहीं जाता, पब्लिक के उद्धार के लिए, जिनको ज़रूरत है उनको उद्धार के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पब्लिक गुड्स और सोशल गुड्स, और इसको सरकार बनाती है। मान लीजिए ये पब्लिक गुड्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जो असम में फ्लड आया था, ये जो सरकार ने जो वहाँ पे CM है सर्बानंद सोनोवाल जी, सब लोगों ने उनको उनके CM रिलीफ फंड को पैसे डोनेट किए थे, अक्षय कुमार इंक्लूडिंग अक्षय कुमार, तो उन्होंने पैसे डोनेट किए थे, वहाँ से जो पैसे आए थे CM चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, वहाँ से जो गरीब जो पीड़ित थे असम के फ्लड में उनको मिले थे, राहत मिली थी उनको। मान लीजिए ये चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के जरिए जगह पे अगर किसी प्राइवेट प्लेयर को, मान लीजिए किसी बहुत बड़ी बिजनेसमैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती कि भाई तुम जाओ और जो पीड़ित है उनको जाके ये कंबल, खाना, अनाज वगैरह बांटो, उनको मिलते पैसे 500 करोड़, तो वो कितने पैसे देते? वो देते 100 करोड़ रुपए, मुश्किल से वो ज़रूरतमंद को देते, बाकी 400 करोड़ उनके जेब में जाती, क्योंकि ऑब्वियसली इज़ अ बिजनेसमैन, उनका काम ही है प्रॉफिट अर्जिन करना, तो अर्न करना, तो 500 करोड़ मिल रहे हैं तो वो क्यों 500 करोड़ रुपए उठा के देंगे? अब सरकार ने ये, सरकार चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में जितने पैसे आए उन्होंने सारे पैसे जो है वो डोनेट कर दिया, मतलब ज़रूरतमंद को दे दिया। तो ये अच्छी बेनिफिट प्लस पॉइंट है कि सरकार को इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, ना कि प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाए। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो कुछ रोल्स है वो सरकार को ही क्यों मिलनी चाहिए, अगर ये प्राइवेट प्लेयर्स को मिल जाए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे एडम स्मिथ ने अपनी बुक में कहा था कि प्राइवेट प्लेयर्स को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, सरकार को हैवी हैंड बोला था, प्राइवेट प्लेयर को दोगे तो मार्केट में वो होगा कि कंपटीशन होगा, गुड्स की क्वालिटी बढ़ेगी, तो क्यों नहीं देना चाहिए प्राइवेट प्लेयर्स को और क्यों सरकार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखनी चाहिए, ये हम देखते हैं। If the regulation and control of an economy is left to private individuals or groups, they will be using the regulatory powers to maximize their profits and return at the cost of others. देखो, power का हमेशा misuse किया जाता है। मान लो आज आप CM की गद्दी पे बैठ गए, ठीक है,
सीएम की, तो जितनी बड़ी पावर आपको मिलेगी उससे कई ज़्यादा बड़ी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। तो अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो रेगुलेशन बनाने का या पॉलिसीज़ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गलत हाथ में यानी कि किसी इंडिविजुअल को मिल जाए तो प्रॉफिट मार्जिन के मोटिव से करेगा कि मेरे को कैसे पैसे आएगा, इंस्टेड ऑफ भाड़ में जाए जनता अपना पेट भरना चाहिए। दैट इज़ अगर वो ऐसा मोटिव रखेगा तो जनता तो भूखी मरेगी। सरकार क्या है, अपने इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचती, सरकार एज अ होल पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचती है, प्रॉफिट मार्जिन के बारे में नहीं सोचती। इसीलिए सरकार जो भी पॉलिसीज़ बनाती है वो सबसे पहले इंडिविजुअल की बेटरमेंट की, मतलब जो कम्युनिटी है, मासेस है, उसकी बेटरमेंट के लिए बनाती है। इसीलिए पॉलिसी बनाने का या रूल्स बनाने का सोल दायित्व या सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार को ही मिलनी चाहिए। The responsibility of producing and distributing private goods should be well handled by the private sector as this is a profit-fetching area. But in the absence of a proper presence of the private sector in an economy, many countries in the world give the responsibility to the state, India being one among them. इसको भी मैं एक example के जरिए समझाती हूँ। जैसे medicines, ठीक है जी, जब मेडिसिन बनता है, एक नया ड्रग इन्वेंट होता है तो तीन फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू जाता है, ठीक है जी। तो फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री, इन तीनों के बाद अप्रूव होने के बाद ही वो आपके पास मेडिसिन पहुंचती है और आप वो मेडिसिन यूज़ करते हो। तो फेज़ वन में सिक्योरिटी चेक्स होता है, फेज़ टू में सिक्योरिटी चेक्स होता है, फेज़ थ्री में सिक्योरिटी चेक होता है। वो बहुत लेंथी, वो उधर इतना डीप हम नहीं जाएंगे, बस मोटा मोटा समझते हैं। तो ये क्या करती है, जो प्राइवेट बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज है वो लोग का अपना क्लिनिकल ट्रायल का सेटअप है कि वो किस तरह से क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लेवल्स पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि वो ड्रग जो है बहुत साइड इफेक्ट रिस्क फ्री हो और उसके बाद उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जो मेडिसिन है। कॉन्ट्रेरी टू दैट, हमारे देश में क्लिनिकल ट्रायल्स की फैसिलिटी जो है बहुत कम है। तो हमारे देश में इतना है, अभी तो बहुत ही बना, लेकिन इतना नहीं है जैसे कि बाहरी देश में है कि क्लिनिकल ट्रायल्स इतना ज़्यादा एडवांस स्टेज पे है। तो ट्रायल्स एंड टेस्टिंग्स इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए अगर ये बिना टेस्ट के जेनेरिक ड्रग वगैरह अगर ये बिना टेस्ट के आपके काउंटर तक पहुँच गए, बिना की एनालाइज किया, ये क्वालिटी चेक्स के बिना, सिक्योरिटी चेक्स के बिना आपके काउंटर तक पहुँच गई, तो आप तो वो मेडिसिन खाओगे, फीवर के लिए मेडिसिन खाओगे, कुछ और ही निकल जाएगा आपको। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो सेक्शन है कि प्रोडक्शन एंड सप्लायर ऑफ प्राइवेट गुड्स, अगर ये प्राइवेट प्लेयर्स जो है सक्षम होते हैं तो ये सरकार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट प्लेयर्स को देने में कोई आपत्ति नहीं है, अनटिल एंड अनलेस ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए लायक हो। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा ये है कि जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स के केस में हो कि इतना सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म नहीं है, तो कुछ भी लाके अगर आपके डेस्क पे आ जाएगा आपकी हेल्थ के साथ वो खिलवाड़ करने जैसा हो जाएगा ना। तो इसीलिए सरकार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको नहीं देती है। ठीक उसी तरह से द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग द सोशल पब्लिक गुड्स टू द नीडी कैन नॉट बी लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर एज दिस इज अ लॉस मेकिंग एक्सरसाइज। ये जो मैंने कहा कि जो सोशल गुड्स है, जो जिन ज़रूरतमंद है, जो जैसे कि मान लीजिए डिफरेंशियली एड, उनको सरकार फ्री में जो एड्स है, व्हीलचेयर हो या फिर हियरिंग एड्स हो या फिर आंखों के लिए चश्मा हो, ये सब सरकार फ्री में प्रोवाइड करती है। ये सब अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बोला जाए कि भाई तुम अपनी पॉकेट से ये सब उन ज़रूरतमंदों को दो क्योंकि उनको चाहिए, तो बोलेंगे मरने दो, मेरे को क्या पड़ी है, मरने दो उनको, मैं क्यों दूँ अपनी पॉकेट से। तो ये फ़र्क होता है, इसीलिए सरकार एज ए, जैसे हमारे पापा मम्मा जो है हमारी केयर करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ठीक उसी तरह से सरकार जो है हमारी केयर करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि भाई कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लोग खुश रहो। तो इसीलिए ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये सरकार के हाथों में रहनी ही अच्छी है, क्योंकि ये अगर ये पावर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे प्लेयर्स तक चली जाएगी तो ये पावर का मिसयूज़ होगा, जो जिसका हर्जाना जो है पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ेगा। तो ये है हमारे वीडियो का एंड, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।